बच्चों, ये क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का। द अपर पार्ट ऑफ ए ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 5 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। पहले इसका डायग्राम अगर हम लोग स्केच कर लें, सपोज कर लेते हैं ये ए और बी ट्री है। लेट ए बी बी अ ट्री, और सपोज कर लेते हैं कि ये यहां से यानी पॉइंट सी से टूट के ग्राउंड को यहां पर टच कर रहा है, और ये दिया हुआ है 5 मीटर और एंगल दिया हुआ है यहां पर 30 डिग्री। तो बोलता है कि आपको फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट निकालना है तो देख लीजिए, यहां से टूट के ये डी पॉइंट पे लगा है, तो ये अगर हम फर्स्ट चांस में ये निकाल लें और उसके बाद फिर सेकेंड चांस में आप क्या करें, इसको निकाल लें सी डी को, और दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो हमारा हाइट ऑफ द ट्री निकल जाएगा। तो यहां पर इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी, यहां ध्यान दीजिए ये दिया हुआ है 30 डिग्री एंगल, एक्यूट एंगल 30 डिग्री है, और देखिए ये गिवन है यानी बेस गिवन है, और परपेंडिकुलर फर्स्ट टर्म में हम निकाल लेते हैं। तो टेन परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन क्या आता है टेन का, तो टेन 30 इज इक्वल टू हो गया क्या, परपेंडिकुलर सी ए बाय ए डी है ना। अब देखिए टेन 30 का वैल्यू हो गया 1/√3, दैट इज सी ए। सी ए को आपको निकालना है, रहने दीजिए, बाय ए डी का वैल्यू हो गया 5। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या, सी ए √3 इज इक्वल टू 5, देयरफॉर सी ए इज इक्वल टू आ गया 5/√3। ये निकल गया आपका, इसको फर्स्ट एज्यूम कर लीजिए। और अब जो है इन राइट एंगल ट्रायंगल, सेम ट्रायंगल में ए सी डी में, इन ट्रायंगल ए सी डी, यहां पर ध्यान दीजिए एक्यूट एंगल वही है, इस बार निकालना है आपको ये, और ये निकालना है और ये दिया हुआ है। तो बेस और हाइपोटेन्यूस में क्या रिलेशन होता है, बेस और हाइपोटेन्यूस में कॉस का, तो कॉस 30 इज इक्वल टू कितना, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो बेस का वैल्यू दिया हुआ है 5 मीटर बाय हाइपोटेन्यूस सीडी, आपको क्या करना है निकालना है। और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है यहां पर ध्यान दीजिए कॉस 30 आपका हो गया √3/2, दैट इज इक्वल टू 5/CD। अब यहां पर सीडी रूट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सीडी √3 इज इक्वल टू 10, देयरफॉर सीडी इज इक्वल टू हो गया 10/√3। ये निकल गया आपको सेकंड। अब देखिए सेकंड इक्वेशन एज्यूम कर लिए, अब देखिए यहां पर सी ए मालूम आपको और सीडी मालूम, तो सी ए प्लस सीडी कर देंगे तो ये हाइट ऑफ द ट्री निकल जाएगा। तो यहां पर हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू सी ए प्लस सी डी। अब सी ए का वैल्यू है कितना आपका 5/√3 प्लस ये हो गया 10/√3, कितना हो गया ये 15 बाय
रूट थ्री, इसको रेशनलाइज कर दीजिए तो ये हो गया रूट थ्री बाय रूट थ्री, तो ये हो गया थ्री, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, तो ये हो गया आपका कितना फाइव रूट थ्री, और इसका फाइव इंटू कितना 1.7, रूट थ्री का वैल्यू 1.732, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8.660, ये होगा मीटर में। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू वेरी मच।